जी दोस्तों, कैसे हैं सब दोस्तों? उम्मीद करता हूँ सब ठीक ठाक होंगे और आपके बर्ड्स भी बड़े अच्छे तरीके से अफजाइश कर रहे होंगे। अभी और मैं हूँ सरफराज और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल बर्ड्स प्लांट व्यू। डक को हमने दोबारा से इधर बंद कर दिया है, ठीक है। इस दफ़ा इनके आगे लकड़ी का एक जाल सा बना के लगाया है, ठीक है। और उसके साथ रैबिट हमारे इस केज में थे, इस केज में से निकाल दिए हैं, ठीक है। इस केज में इनके लिए कोई अच्छा मुनासिब माहौल नहीं था, ठीक है। अब इनके लिए हम आज बना रहे हैं एक सीमेंट का केज बना रहे हैं, ठीक है। अगर देखा जाए तो इसकी जो हाइट है वो तकरीबन कोई 1.5 इंच के करीब होगी, या 1 फुट से थोड़ी सी ज़्यादा होगी। और लंबाई इसकी है 3 फिट, चार 4 फिट, फिट 4 फिट लंबाई है। और जो चौड़ी इसकी चौड़ाई है वो 2.5 फुट है, ठीक है। अब ये जो बनाया जा रहा है, इसकी हाइट इतनी इसलिए बना रहे हैं कि ये इसके अंदर आसानी से ना अपनी मूवमेंट कर सके, मतलब इधर उधर जा सके। और आगे जो इनका मोस्टली लोग तो पाइप लगा के और अंदर इसके रखते हैं, क्या नाम लेते हैं, घड़े रख देते हैं और वो नीचे ज़मीन में दबा देते हैं। लेकिन मैं ऐसा नहीं कर रहा, मैं इसके तीन हमने इनके दरवाजे रखे हैं, ठीक है। इसके ऊपर छत डाल देंगे, इधर ये छत डल जाएगी। और साथ में ये जो इसका एरिया है ना, इसको हम पक्का कर देंगे ताकि ये इधर उधर और मज़ीद कोई अपने जो सुरंग है ना वो ना खोल सके। पहले इन्होंने इस कच्चे में सुरंग खोदी हुई थी, लेकिन अब उनको बंद कर दिया गया। और उसके बाद अब ये इनका एरिया सारा पक्का हो जाएगा। और इसके आगे हम यहाँ पे ये जो एरिया बच रहा है ना, यहाँ से लेके उस कोने तक, यहाँ हम लगा देंगे जाली आगे, ठीक है। और इनकी मूवमेंट सिर्फ इस जितना पक्का एरिया है ना उस एरिया तक ही महदूद रखेंगे। और उसके इसके ऊपर हम एक कुछ स्लैब वगैरह की छत डाल देंगे ताकि इनका जो ब्रीडिंग हाउस है वो भी बन जाए। और इनकी जो मूवमेंट के लिए, नकलो हरकत के लिए जगह है वो भी अब पक्की बन जाएगी, ठीक है। नीचे सीमेंट का हम प्लस्तर कर देंगे और आगे यहाँ पे हम जाली लगा देंगे। तो ये इनका बड़े अच्छे तरीके से इनका जो ब्रीडिंग बॉक्स भी बन जाएंगे साथ, और इनका केज भी बन जाएगा ताकि हमें जगह जगह जो सुराख की परेशानी है उसका सामना मज़ीद ना करना पड़े। तो इसके साथ फिर मतलब जो डक है इसका तो हमने वही लकड़ी का जंगला ही लगाया हुआ। अभी मज़ीद इसकी प्रोग्रेस भी करेंगे लकड़ी के जंगले को हटा के, जैसे पहले ये वाला जंगला लगा हुआ था। इसके आगे ये अब रैबिट हाउस के आगे शिफ्ट करेंगे, ठीक है। इनके लिए अब नया बनवाएंगे। तो लबर्ड अभी उधर ही है, ठीक है। लबर्ड जो हमारे पास हैं 3-4 म्यूटेशन, वो एक केज में है क्योंकि अब इनका ब्रीडिंग सीजन नहीं है, तो इनको एक केज में ही रखा हुआ है, ठीक है। और इसके साथ है रोजी कोली का एक जोड़ा, तो ये है, ठीक है। इसने ब्रीडिंग की हुई है, ये जो नीचे बैठे हुए हैं ये इसके बच्चे हैं। और ये इनकी वालदैन है, यानी कि ये अडल्ट पेयर है जिनके ये बच्चे हैं। इनमें से एक जोड़ा है जो पार ब्लू टाइप में है, इन्होंने एक एक दफ़ा ब्रीडिंग की हुई है, बाकी का भी फर्स्ट फर्स्ट क्लच है, ठीक है। और साथ में ये हमारे फिशरी हैं, ऑस्ट्रेलियन पैरट। ये तो अभी इन्होंने अभी फर्स्ट क्लच नहीं दिया, गर्मी है, लेकिन ये गर्मी में ब्रीड तो कर लेते हैं, पर मेरा नहीं ख्याल ये करें क्योंकि गर्मी थोड़ी ज़्यादा है, तो इसलिए ये ब्रीड नहीं करेंगे। तो ये था आज का छोटा सा मिनी सा ब्लॉग। उम्मीद करता हूँ सब दोस्त ब्लॉग को पसंद के भी करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब भी करेंगे और वीडियो को लाइक भी करेंगे। तो आज की वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं।